तो क्या सलार मूवी KGF से लिंक्ड होने वाली है? प्लाईमाउथ जो कि 80s के टाइम के एक बहुत ही फेमस कार है, उसको हमने नोटिस कर लिया इस ट्रेलर के इस सीन में। इसके अलावा अधीरा के वेपन्स भी हमने इस ट्रेलर में नोटिस किए, यानी कि क्या अधीरा भी जिंदा है? एंड इस मोमेंट में सलार वहां पे किसको देख रहा है? क्या वहां पे रॉकी भाई खड़े हैं? इसके अलावा हम यहाँ पे 8/46 जैसा कुछ नोटिस कर सकते हैं, जिसका मतलब पुलिस की भाषा में ब्रूटली का सिंबल किस तरह होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या सलार वर्सेस रॉकी भाई हमें सलार मूवी में देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सलार का ब्रेक डाउन करेंगे एंड जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड ऐसी डिटेल्स जो कि शायद आपने मिस कर दी हैं एंड जो कि सलार को लिंक्ड करती है KGF के साथ। लेट्स फाइंड आउट। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर की शुरुआत ही होती है कि ये सब लोग इन चाचा के ऊपर गोलियां तान के खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड में हम एक कार को नोटिस कर सकते हैं जिसके ऊपर एक स्टार बना है। ये स्टार वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ओल्ड लोगो है US आर्मी का, जो बात प्रूव करती है कि शायद मूवी की स्टोरी ओल्ड हो सकती है। खैर यहाँ पे हम इन सबको नोटिस कर सकते हैं जिनका कुछ ना कुछ लिंक्ड हो सकता है US आर्मी के साथ, कैसे मैं आपको वो आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक और डिटेल जो कि नोटिस करने वाली है इस कार को लेके, अगर आप इस कार के मॉडल को ध्यान से देखते हो तो मे बी ये 80s के टाइम का लगता है। एंड जहाँ पे मैंने रिसर्च किया तो मुझे मिली है कार प्लाईमाउथ बाराकुडा। एंड अगर हम इन दोनों कार्स को अब कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट सेम लगती है। एंड इस प्लाईमाउथ कार को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 70s टू 80s के बीच में चलती है एंड 1970s टू 80s के बीच में क्या है? KGF की स्टोरी। डिटेल नंबर 2, तो यहाँ पे हम इस एजेंट के हाथ में गन नोटिस कर सकते हैं जो मे बी EGL लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप 4K में इस ट्रेलर को देखोगे तब आप ये बात नोटिस कर पाओगे। लेकिन खैर EGL की L85A1 नाम की एक गन आती है जो बिल्कुल सेम ऐसे ही लुक में दिखती है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। हाँ कुछ पार्ट डिफरेंट है बट मे बी यही गन हो सकती है ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि क्या ये गन उस टाइम चलती थी? तो नहीं, क्योंकि ये गन 2000s के टाइम्स की है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत पार्ट डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि मे बी ये गन ओल्ड फैशन टाइप हो सकती है, यानी 80s के टाइम की। खैर अगर हम डिटेल नंबर 3 की बात करें तो हम रिस्ट वॉच को नोटिस कर सकते हैं इसके हाथ में, जो कि मे बी सीको की एक वॉच हो सकती है, क्योंकि इसका डिजाइन पूरी तरह रिसेंबल करता है, इसकी स्ट्रिप रिसेंबल करती है उसी कंपनी से। लेकिन इससे हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि मूवी का टाइम कहां पे है, क्योंकि सीको की ऐसी वॉच 80s में भी आती थी, 90s में भी एंड अभी प्रेजेंट में भी मौजूद है। खैर अब हम अपने नेक्स्ट सीन में इस लोगो को एंड साइड में LMX को नोटिस कर सकते हैं। हालांकि LMX का सही मतलब तो मुझे नहीं मिला, बहुत से लोग मान रहे हैं ये लिथियम से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मूवी के पूरे कलर में टेक्स्ट का टोन भी ग्रे था एंड लिथियम एलिमेंट का कलर भी ग्रे है, तो मे बी ऐसा हो सकता है बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन अगर हम इसके साइड में बात करते हैं तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, इसका मतलब तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन अगर आप इसको दूर से देखो तो ये प्रतीत होता है 8/46। लेकिन अगर हम पुलिस की फॉर्म पे 8/46 का मतलब ढूंढने की कोशिश करें तो ये रिप्रेजेंट करता है ब्रूटलिटी मर्डर्स को, मतलब एक ऐसा सिंबल जो ब्रूटलिटी मर्डर्स के लिए यूज किया जाता है। तो हो सकता है एक ऐसा चैम्बर हो जहाँ पे ब्रूटलिटी मर्डर से रिलेटेड कुछ काम हो एंड आर्मीज या US आर्मी जो हमें ट्रेलर में पहले दिखे उससे ये सब चीजें लिंक्ड हो, क्योंकि बाद में अगर हम प्रवास के लुक को देखते हैं तो उसका लुक भी मे बी आर्मी वालों की तरह लग रहा है। खैर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। नंबर 5, इसके बाद हम इस ट्रेलर में अधीरा के इन वेपन्स को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि ये वेपन अधीरा के बंदों के पास ही थे जब वो रॉकी को रोकने आए थे। तो इनसे क्या लिंक्ड हो सकता है? कि अधीरा अभी भी जिंदा है? जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये वेपन हो सकते हैं पृथ्वीराज के, जो कि हमने इस सीन में देखा, जो कि मे बी इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। हाँ बहुत से लोग मान रहे हैं कि इसका लिंक्ड है अधीरा के साथ एंड बहुत से लोग तो गरुड़ा के साथ भी मान रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके माथे में देखोगे तो इसके माथे में सेम वैसा ही तिलक लगा हुआ है जैसा गरुड़ा के माथे में लगा हुआ है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शायद गरुड़ा का बेटा हो सकता है, कोई बोल रहा है कि अधीरा का बेटा है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन इसके कुछ लिंकेज जो जरूर है इन वेपन से एंड अधीरा एंड गरुड़ा के कुछ एसोसिएशन से। नंबर 6, जो अब ये आर्मी केस जहां पे आप C-516 या ऐसे और भी आर्मी टैंक्स को नोटिस कर सकते हो, ये हमने ट्रेलर में भी देखा एंड KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमने ये सेम चीज देखी थी। तो इससे दो ही आंसर हो सकते हैं कि ये मूवी आपस में लिंक्ड हो या सेम ही जगह शूटिंग की गई हो। नंबर 7, अब ये कुछ रेफरेंसेज है, जब ये अंकल लायन टाइगर चीता एलिफेंट वगैरह बोल रहे होते हैं तो शायद यहाँ पे एलिफेंट गरुड़ा के लिए यूज किया गया है एंड लायन अधीरा के लिए, एंड यहाँ पे चीता एंड टाइगर भी इन्होंने कहा, जिसकी शायद बाद में हमें मूवी में लिंकेज देखने को मिले, शायद ऐसे भी कोई और विलन हो। लेकिन बाद में इन्होंने बोला जुरैसिक पार्क में एक ही होता है, यानी कि हमने प्रभास का खुद सलार जो कि एक डायनासोर है जुरैसिक पार्क का, यानी ओवरऑल आप समझ रहे हो अधीरा का मतलब लायन, एलिफेंट का मतलब गरुड़ा, डायनासोर का मतलब प्रभास, बट द मॉन्स्टर इज ओनली वन रॉकी।
अब नंबर 8, अब सलार यहाँ पे अपनी गन को थ्रो कर रहा है लेकिन वो सामने किसी को देख भी रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फ्रेम में हम किसी को नोटिस तो कर रहे हैं, तो ये हो कौन सकता है? क्या ये अपना रॉकी भाई है? खैर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पे है जो कि लोग बोल रहे हैं कि शायद रॉकी हो सकता है, लेकिन कोई और भी हो सकता है लाइक इस मूवी का मेन विलन जो कि यहाँ पे लड़ने आया है सलार के साथ। खैर इस 8 पॉइंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको 9th पॉइंट सुनना चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट है सलार के टाइटल को लेके, सलार सीज फायर पार्ट 1। मतलब हाँ ये पार्ट 1 है जिसका नाम है सीज फायर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो सलार का मतलब होता है राइट हैंड मैन टू अ किंग, यानी कि किंग का वो वफादार जो कि उसका राइट हैंड है एंड उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। लेकिन 1978 टू 1981 रॉकी भाई कहाँ पे थे? हो सकता है इस बीच जो भी वहां पे कांड हुआ उस टाइम पे रॉकी भाई ने एक स्पेशल एजेंट यानी अपने राइट हैंड सलार को रखा हो वहां की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड ये वही सलार हो, यानी कि रॉकी का राइट हैंड हो सकता है सलार। बट सीज फायर जो कि इसका टाइटल है वो कई हद तक 30-40% इस थ्योरी को फेल कर देता है, क्योंकि सीज फायर का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि दो पार्टीज की जंग को रोकने के लिए काम आता है एंड पीस बढ़ाने के लिए काम आता है। तो यानी कि सीज फायर का मतलब तो एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन मूवी में शायद वो एग्रीमेंट ही है अपने प्रवास का सलार। तो यानी कि सलार एक ऐसा करेक्टर हो सकता है जो दो पार्टीज के बीच में पीस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसने भी हथियार उठाए उसका वो सफाया कर देगा। तो इसलिए जब इन अंकल को पकड़ा गया था एंड इन्होंने जुरासिक पार्क का नाम लिया था तो ये सब डर गए होंगे क्योंकि इन्हें बताया कि वो हमें भी रोक लेगा। तो हाँ ये सब थ्योरी से लिंक्ड तो करती है, लेकिन इससे एक और थ्योरी निकल के आती है, वो है सलार वर्सेस रॉकी भाई। मतलब देखो अगर सलार का करेक्टर सचमुच इस तरह से बिल्ड किया गया है जो कि पीस बनाता है दो पार्टीज के बीच में, तो हो सकता है कि रॉकी भाई की कोई गैंग हो जो यहाँ पे अटैक करने आई हो किसी रीजन की वजह से एंड उनके रास्ते में सलार खुद खड़ा है। तो अब सलार रॉकी भाई की गैंग को मारना शुरू कर देता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमें सलार वर्सेस रॉकी भाई देखने को मिल सकता है इस पॉइंट में। अब ओवरऑल ये थ्योरी इस तरह से निकल के आ सकती है कि रॉकी भाई ने अपनी पूरी आर्मी तो भेज दी थी लेकिन एक सिंगल इंसान यानी सलार ने उस आर्मी का सफाया कर दिया। फिर बाद में रॉकी भाई को ये बात पता चलती है एंड लास्ट में हमें छोटा सा कैमियो दिखता है रॉकी भाई का इस मूवी में, जो कि शायद ऐसा ये मूवी वाले कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रोल तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि अभी पार्ट 1 है। इसीलिए अगर रॉकी भाई हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं तो मे भी छोटा मोटा कैमियो हो सकता है। एंड ये दो थ्योरीज में से एक थ्योरी सच होने वाली है, या फिर तो सलार खुद रॉकी भाई का राइट हैंड है या फिर तो सलार वर्सेस रॉकी भाई। नंबर 10 है इस मूवी के बैकग्राउंड जो कि बिल्कुल सेम लगते हैं KGF की तरह, क्योंकि डायरेक्टर सेम है एंड डायरेक्शन स्टाइल भी एकदम सेम रखा गया है जो कि पर्सनली हॉलीवुड वाली फील देता है मुझे। खैर आपको क्या लगा कमेंट में जरूर शेयर करना। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 11 जो कि शायद आपको पता ही चल गया होगा लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो अब KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब रॉकी भाई यहां पे शिप में होते हैं तो यहां पे तीन घड़ियां लटकी होती है जिसमें तीसरी घड़ी में लिखा होता है एक टाइम जो कि था 5:00 कुछ। लेकिन अगर हम सलार के ट्रेलर की बात करते हैं या टीजर की बात करते हैं जो ये आया तो ये भी रिलीज हुआ था 5:12 AM पे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये लिंक्ड बताता है कि शायद ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हो। हां वैसे तो ये ज्यादा सोचने वाली बात है लेकिन ये थ्योरी इंटरनेट में भी बहुत फेमस हो रही है कि उस घड़ी में भी अराउंड 5:10 हुए थे एंड ये ट्रेलर भी 5:12 पे ही आया। एंड इसके अलावा वो आर्मी केस वाला भी सीन एंड ऐसे और भी बहुत से सीन है जो कि इसे KGF से शायद लिंक्ड कर रहे हैं। तो अब लास्ट में इन 10-11 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैं यहां पे पहुंचाऊं कि हां ये मूवी KGF से मेरे ओपिनियन में लिंक्ड हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात रॉकी भाई को लेके तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि रॉकी भाई का कैरेक्टर मूवी में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो एक छोटा सा कैमियो होगा जहां तक मुझे लगता है, जो कि मैंने आपको इस मूवी का टाइटल बताया ना कि या फिर तो सलार का मतलब कि वो रॉकी का राइट हैंड होगा एंड रॉकी का छोटा सा कैमियो दिखेगा, या फिर सीज फायर का मतलब कि वो रॉकी के आर्मी के खिलाफ ही लड़े जा रहा है एंड फिर उसे लास्ट में पता चलता है कि रॉकी वर्सेस सलार हो रहा है। तो ओवरऑल इसी तरह से रॉकी का छोटा सा कैमियो देखने को मिल सकता है अगर दिखा तो, और वैसे तो अभी पक्का नहीं है कुछ भी। खैर ये थी वो 10 से 11 डिटेल जो कि मैंने इस पूरे ट्रेलर में नोटिस किया है। आपने इसके अलावा और क्या चीजें नोटिस की मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर दो। अब मैं आपसे लास्ट में आपका ओपिनियन पूछना चाहता हूं कि क्या रॉकी भाई का कैमियो मूवी में हो सकता है नहीं, कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। और जहां पे लास्ट में इन दोनों मूवीज के लिंक्ड की बात आती है तो शायद कंफर्म मेरे ओपिनियन में तो शायद है, लेकिन आपको क्या लगता है बता देना कमेंट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। Bye.